हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम कैसे लिखते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिखाया था कि हम जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले, आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए जो एलिमेंट है उसका नाम है स्क्रिप्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें वाइल लूप का सिंटैक्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइल, उसके अंदर हम यहाँ पे कोई कंडीशन लिखेंगे। तो उससे पहले हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा, इसलिए हम यहाँ पे काउंट ले लेंगे। वेरिएबल में काउंट इज इक्वल टू हम कर देंगे ज़ीरो। काउंट में हमने ज़ीरो वैल्यू ले लिया। के बाद हम यहाँ पे एक वाइल लूप चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अंदर हम लिखेंगे स्टार्टिंग लूप। स्टार्टिंग लूप हमने इसलिए लिखा ताकि हमें पता चले कि हमारा जो लूप है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएँगे। यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल। तो पहले हमें वाइल लिखना है। वाइल लिख लिया, उसके अंदर हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी एक कंडीशन लिखेंगे। आप काउंट लेस देन 10 करते हैं ताकि जो हमारा काउंट है वो 3 तक जाए। के बाद हम इसके अंदर कोड लिखेंगे कि जब तक जो काउंट है वो 10 तक नहीं जाता तब तक हमें एक लूप चलाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, हमें प्रिंट करवाना है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर हम काउंट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे काउंट इज, उसके बाद हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद में प्लस करके यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट। जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एक ब्रेक लाइन भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक BRB लिख देंगे। यहाँ पे एक और प्लस लगा देंगे। उसके बाद डबल कोटेशन में हम BR एलिमेंट है उसका यूज़ यहाँ पे हम कर देंगे ताकि जो नई लाइन है वो लूप के बाद न्यू लाइन में है। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट को प्लस कर देंगे, हमें काउंट भी इंक्रीज़ करवाना है इसलिए हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए हमें पता चले, इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हम कर देंगे राइट। ब्रैकेट्स में डबल कोटेशन में हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप लूप। हमने लूप को स्टॉप करवा दिया इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लूप स्टॉप। चलिए, अब हमारे प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग लूप, यहाँ पे स्टार्टिंग लूप हमें पता है कि हमारा जो लूप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा काउंट है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंट करंट काउंट इज़ 1, यहाँ पे काउंट 1, 2, 3 ऐसे हमने यहाँ पे 10 तक लिखा था तो इसलिए यहाँ पे 10 तक आएगा। तो उसके बाद हमें वाइल लूप के बारे में सीख लिया। अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप के बारे में देखते हैं कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें डू लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद हमें एंड में जो वाइल लूप है वो लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन डालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डू लिख देंगे डू, उसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं। डू के अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट करवा देंगे कि जो हमारा काउंट है वो प्लस करके यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट। उसके बाद हमें पता है कि हमें काउंट को इंक्रीज करवाना है इसलिए हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे सेमी कॉलम। उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन जो है उसमें क्या लिखना है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हम वाइल लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें वाइल के बाद ब्रैकेट, उसके अंदर एक कंडीशन डालेंगे, हमारा जो काउंट है उसको हमें कहाँ तक चलवाना है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हम यहाँ पे 10 कर देंगे। वाइल लूप है उसमें हमें यहाँ पे लूप के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाना है, और यहाँ पे हम जब डू वाइल लूप लिखते हैं तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है, वो आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अंदर हम लिखेंगे स्टॉप, लिखते हैं लूप स्टॉप। हम ब्राउजर में जाके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो काउंट है उसमें काउंट 0, 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे नंबर आ गए एक लाइन में, सिंगल लाइन में। हमें सिंगल लाइन में नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस करके BR, कि जो हमारा है वो नेक्स्ट लाइन में आए। सेव करते ब्राउजर में करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देखते हैं कि काउंट 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम 10 तक जा सकते। यहाँ पे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम व्हाइल लूप का भी यूज़ करते हैं और डू व्हाइल लूप का भी यूज़ करते हैं। दोनों का जो वर्क है वो सेम ही होता है, पर यहाँ पे हमें जो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप उसको हम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे मैटर करता है। आई होप वी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।